क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? जो सब चीजें बिग बॉस में होती है क्या ये असलियत में होती है? और पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के पहले ही दिन बाहर क्यों हो गए? बिग बॉस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं। मानने की बात है आपको बहुत जरूरी काम है और आप रोड पर निकले, लेकिन अगर रोड पर ये तीन चीजें हो रही होगी तो आप कितना ही जरूरी काम हो आपको एक सेकंड उस चीज को जरूर देखेंगे, एक एक्सीडेंट, एक फाइट, और अगर आपको कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस दिख जाए तो आप उसे देखेंगे। तो बिग बॉस का भी कुछ ऐसा ही सीन है। बिग बॉस एक बड़ा घर है जिसके अंदर 90 कैमरे लगे हुए हैं। इस घर के अंदर ना तो आप फोन यूज कर सकते हो, ना ही किसी प्रकार का टेलीविजन है। आपको एक दूसरे के साथ बिना इन सब चीजों के रहना पड़ता है। इसके अंदर उन लोगों को बुलाया जाता है जो पहले फेमस थे या फिर जो फेमस होना चाहते हैं या जो फेमस है। बिग बॉस का सबसे बड़ा सवाल इस समय आ रहा है कि पुनीत सुपरस्टार को पहले ही दिन बाहर क्यों निकाला गया? अगर हम बिग बॉस की माने तो उनके हिसाब से पुनीत सुपरस्टार लोगों को परेशान करता था, वो बिग बॉस के रूल नहीं मानता था और वो टॉयलेट करके फ्लश भी नहीं करता था। पर ये सब चीजें तो वो है जो बिग बॉस ने हमें दिखाई है। इसका कोई भी प्रूफ हमें बिग बॉस ने नहीं दिया है। तो बिग बॉस हमारे माइंड के साथ खेलता है। बिग बॉस चाहता है हम वो देखें जो वो दिखाना चाहता है। बिग बॉस है उसने जो पुनीत की इमेज थी उसको कंट्रोल किया हुआ है। क्या ये शो फेक है या फिर रियल है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब सबसे पहले शो में ऑडियंस पोल हुआ था, बिग बॉस के अंदर ऑडियंस पोल हुआ था, उसमें जो अभिषेक मलान थे यानी हमारे फुकरा इंसान, वो नंबर वन पर आए थे और जो दूसरे नंबर पर थे वो थे पुनीत सुपरस्टार। लेकिन उसके बाद एक और पोल हुआ जिसके अंदर जो एक्स कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, उनकी पोलिंग हुई। तो उस पोल के अंदर पुनीत को 10वें नंबर पर लाया गया और अभिषेक को 6ठे नंबर पर लाया गया। अगर मेरी माने तो बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, बिग बॉस कंट्रोल्ड है। मतलब जो भी चीज़ें होती है वो होती तो रियल में है, लेकिन ये चीज़ें करवाने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए बिग बॉस ऐसी स्थितियां बनाता है जैसे दो आदमियों की बनती नहीं है, तो बिग बॉस उन्हें एक टीम में डाल देगा जिससे उनके बीच में लड़ाई हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देगा कि ये सब लड़ाई होनी ही होनी है। जो बिग बॉस के सबसे यंगेस्ट विनर थे वो थे गौतम गुलाटी। बिग बॉस का जो सबसे छोटा सीजन हुआ है वो हुआ है 85 दिनों का, सीजन नंबर 3। बिग बॉस का जो सबसे बड़ा सीजन हुआ है वो है सीजन नंबर 7 जो 105 दिनों का हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।